मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो आयुष्मान भारत निकला योजना प्रधानमंत्री द्वारा, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छी स्कीम चलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। इस स्कीम के तहत गरीब लोगों का 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जा रहा है। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार के द्वारा दिया गया है। किन लोगों को ये बीमा मिले? बेसिकली सरकार ने 2011 में एक सर्वे किया था, पॉपुलेशन सर्वे, उसके अंदर जो SECC का डाटा लिया था उन लोगों को इसमें एनरोल किया है। SECC का मतलब सोशली इकोनॉमिकली सेंसस सर्वे, जो सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव पॉपुलेशन है उसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है। वो अप्रोक्स इंडिया की 50 करोड़ पॉपुलेशन इसके अंदर। हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में इसके अंदर अप्रोक्स 50-75 लाख पॉपुलेशन है और फरीदाबाद में 6 लाख लोगों इसके अंदर इंक्लूड है। सर जानना चाहूंगा, जो लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है वो लोग कैसे इसका लाभ उठाएं? बेसिकली सरकार ने इस स्कीम के तहत सिर्फ एनरोलमेंट बेस्ड ही स्कीम रखी गई है। एनरोलमेंट बेस्ड मींस जिन लोगों का नाम ऑलरेडी इस स्कीम के तहत है उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और PMO ऑफिस से उनके लिए लेटर इश्यू किए गए हैं, वो अपने ग्राम पंचायत सरपंच से या पार्षद से कलेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी वो चेक कर सकते हैं। और वो कार्ड लेकर के, इस तरीके का कार्ड है जिसको PMO लेटर से जो इश्यू किया गया है, इस कार्ड के अंदर एक QR कोड है और फैमिली मेंबर्स के नाम है जिन लोगों का नाम इस स्कीम के तहत ऑलरेडी है। ये लेटर लेकर के अपने नियर बाई प्राइवेट हॉस्पिटल, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कियोस्क है, और कियोस्क पे जाकर के आरोग्य मित्र मिलेंगे। आरोग्य मित्र को अपना ये लेटर देना है, वो लेटर ये लेकर के अपने साथ में आधार कार्ड को भी लेके जाना है और आपका नाम सर्च करके वो आप KYC करेंगे, KYC करके आपका गोल्डन कार्ड जनरेट हो जाएगा। तरह की फैसिलिटीज जो है वो इस 5 लाख की बीमा के अंदर मिलेंगी, और कौन कौन से वो हॉस्पिटल है जो ये आपको योजना का प्रभाव वो देंगे? अभी तक फरीदाबाद में 6 सरकारी हॉस्पिटल है और 13 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो एक हमारा ही हॉस्पिटल है, आर्ट्स हॉस्पिटल, जो कि ग्रेटर फरीदाबाद में है, सेक्टर 78 तिगांव रोड पर, नियर बाई भतौला विलेज। बेसिकली एक गोल्डन कार्ड जो है जस्ट लाइक आधार कार्ड, उसको सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर्स को एक गोल्डन कार्ड इश्यू कराना बहुत ज़रूरी है। गोल्डन कार्ड इश्यू कराने के लिए उसको ये PMO लेटर लेके आना। सपोज किसी घर PMO लेटर नहीं पहुँचा है या किसी सरपंच ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हैं, तो उनको अपना राशन कार्ड लेके आना फैमिली का, और सबके आधार कार्ड लेके आने हैं, और साथ में जितने मेंबर्स के नाम है राशन कार्ड में उन सबको साथ में लेके आना पड़ेगा। सपोज एक पॉसिबिलिटी है कि सारे मेंबर्स नहीं हैं, एक एक करके भी बनवा सकते हैं, एक साथ सारे मेंबर्स का आना जरूरी नहीं, क्योंकि गोल्डन कार्ड जो बनता है ईच मेंबर का सेपरेट बनता है। और सपोज किसी का नाम इस लिस्ट में नहीं है, PMO लेटर में नहीं है, पर राशन कार्ड में है, तो उसका नाम एड ऑन हो जाएगा इस स्कीम में। पर उसके लिए सबसे पहले फैमिली के किसी एक मेंबर का गोल्डन कार्ड इश्यू होना जरूरी है। जो सेंटर हैं, प्राइवेट सेंटर या गवर्नमेंट सेंटर हैं जहां गोल्डन कार्ड इश्यू हो रहे हैं, वहां पर KYC करते हैं, वो जो नाम है उसको आधार कार्ड से लिंक करते हैं बेसिकली, इसको हम गोल्डन कार्ड कहते हैं। जैसे एक हमारे यहाँ किसी ने बनवाया है, गोल्डन कार्ड बनवाया है, इनका ही नंबर है, ये यूनिक नंबर है, इसी नंबर को उसके लिए हमेशा रहता है, और जस्ट लाइक आधार कार्ड नंबर। और एक बार कार्ड इश्यू हो जाने के बाद, सपोज किसी फैमिली मेंबर का बीमार हो गया, गंभीर हालत में है, उसको भर्ती की ज़रूरत है, डॉक्टर ने सलाह दी है, तो अपने नियर बाई एम्पैनल हॉस्पिटल में जा सकता है ये गोल्डन कार्ड लेके। इमरजेंसी में गोल्डन कार्ड मिस हो जाता है, नहीं मिलता, तो सिर्फ उसको अपना आधार कार्ड लेके भी जा सकता है। सपोज कर रहा हो आधार कार्ड भी नहीं है, पर उसको मोबाइल नंबर जो उसने एट द टाइम ऑफ गोल्डन कार्ड बनवाने के समय जो मोबाइल नंबर दिया होता है वो नंबर याद होना चाहिए, उस मोबाइल नंबर से भी उसका हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और पेशेंट का इलाज शुरू हो जाएगा। सर जानना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति अपना कार्ड लेके आज हॉस्पिटल में आता है तो उसको वो क्या सुविधाएं होंगी जो उसको मिलेंगी? इस स्कीम के तहत आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए सिर्फ गंभीर बीमारियों के इलाज अलाउ है। जैसे किसी को सांस की ज्यादा तकलीफ है, किसी को बहुत दिनों से दस्त लग रहे हैं, किसी को लैटरिन के रास्ते खून आ रहा है, गफलत की स्थिति में है, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या पेशेंट का ऑपरेशन करवाना है, जैसे पित्त की थैली स्टोन है, वो बड़ा स्टोन है, फंसा हुआ है, उसका ऑपरेशन करवाना है, हर्निया का ऑपरेशन करवाना है, बच्चेदानी निकलवानी है, ये बच्चों की ऑलमोस्ट सारी बीमारियाँ कवर हैं। कोई बच्चा बीमार हो गया, बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे को निमोनिया हो गया, बच्चों को TB हो गई, बच्चे को डेंगू हो गया, लेके आ सकते हैं, एडमिट करा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, पेशेंट को ICU, HDU, नॉर्मल वार्ड की सुविधा मिलेगी। और पेशेंट से इस स्कीम के तहत कोई भी पैसा नहीं लगेगा, पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पर 300 रुपये
भी दिए जाते हैं ताकि वो अपने घर पहुंच सके, या हॉस्पिटल तरफ से एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। पेशेंट के टेस्टों पर, दवाइयों पर, डॉक्टर विजिट पर, हॉस्पिटल के अदर खर्चों पर पेशेंट से कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता, सब कुछ सरकार पे करती है। सरकार ने अप्रोक्स 1400 पैकेजेस डिसाइड किए गए हैं, उन पैकेजेस के अंदर जो भी गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की हुई है उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को पेमेंट मिलता है। मैं आपको बता दूं, जैसे पेशेंट को किसी को बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, पेशेंट ने गोल्डन कार्ड लेके आए, बोले मेरे को इलाज फ्री होगा, वो फ्री नहीं है। इस स्कीम के तहत सिर्फ और सिर्फ भर्ती करके इलाज फ्री है, एडमिट करके ही इलाज फ्री है। बहुत सारी बीमारियां हैं, ऑलमोस्ट 1400 में बीमारियां हैं, कैंसर की भी बीमारियां हैं, बड़े से बड़े ऑपरेशन भी हैं, चलाने के ऑपरेशन हैं, हर्निया, कान के पर्दा फट जाना उसका भी ऑपरेशन है इस स्कीम के तहत, गले में कैंसर हो, गले की बहुत सारी बीमारियां हैं उनका ऑपरेशन हो। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत के तहत आपने अभी तक कितने सफल इलाज किए? अभी तक हमने 80 पेशेंट्स के इलाज हम कर चुके हैं इस स्कीम के तहत, जो कि फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है, और हमने काफ़ी अच्छा इलाज किया है। हमसे सारे पेशेंट संतुष्ट होके गए हैं, संतुष्ट होके वो एक सेटिस्फेक्शन लेटर होता है, सबने साइन किए हैं। और सबसे अच्छी बात है, हमने जितने भी क्लेम सरकार को भेजे हैं हमारे कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं हुआ है, सारे पेशेंट हमसे संतुष्ट हैं। कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को भेजा है जिनका नाम इसके अंदर है, कई पेशेंट तीन तीन बार भी एडमिट होके गए हमारे यहाँ रिपीटेडली फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम और सेम प्रॉब्लम। हमारे यहाँ अब तक अप्रॉक्स 20 ऑपरेशन हो चुके हैं इस स्कीम के तहत, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन भी हमने किए हैं, पित्त की थैली का ऑपरेशन भी किया, हर्निया का ऑपरेशन भी किया, बच्चेदानी रसौली का भी ऑपरेशन हमने किया है, ओवरी में सिस्ट का ऑपरेशन भी हमने किया है, कान के पर्दा फटने का भी हमने ऑपरेशन किया है। अप्रॉक्स हम अब तक 14 लाख रुपीज़ का काम कर चुके हैं, और सरकार से हमें इसका 60% पेमेंट अब तक मिल भी चुका है। हम सरकार से भी काफ़ी खुश हैं कि टाइमली वो पेमेंट भेज रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा 5 लाख रुपए का बीमा है, मेरा टॉप से टॉप इलाज कीजिए, टॉप से टॉप हमें दवाइयाँ दीजिए, पेशेंट ये सोच के आता है। मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के मन में जो मंजिश रहती है कि 5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, उसका इलाज उनको किस तरह से मिलेगा, क्या सुविधाएं दी जाएंगी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि ये सुविधाएं क्या होती हैं, क्या आपका बजट उससे ज़्यादा बैठता है या फिर सरकार द्वारा कम पैसे आपको मिल रहे हैं? आज की डेट में सरकार के द्वारा जो हमें पैसे मिल रहे हैं ऑलमोस्ट उतने पैसे का हमारा खर्चा हो जाता है दवाइयों पर और टेस्टों पर। हमें सरकार से कोई पेशेंट वार्ड में एडमिट होता है, चाहे प्राइवेट वार्ड में एडमिट हो चाहे जनरल वार्ड में एडमिट हो, पर डे का हमें 1800 रुपये मिलता है, और उसमें से भी टैक्स काट करके 1620 रुपये हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में पर डे के, जिसमें हमें पेशेंट को दवाइयाँ भी देनी है, पेशेंट को सारे टेस्ट भी करने हैं, एवरीथिंग वी हैव टू प्रोवाइड, और डिस्चार्ज के टाइम पर मेडिसिन भी देनी है, और पेशेंट को ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधा उपलब्ध करानी है या पैसे देने हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो देखा जाए तो पेशेंट के मन में, और यदि पेशेंट आईसीयू में रहता है तो उसको 3600 सरकार हमें पे करती है पर डे का, और पेशेंट यदि वेंटिलेटर पर है तो सरकार हमें 4500 रुपये पर डे का पेमेंट करती है, जबकि 4500 रुपये देखा जाए आज के टाइम आईसीयू का नॉर्मल बेड चार्ज ही 5000 रुपये मिनिमम से मिनिमम। ओवरऑल कोई पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे छोटा हॉस्पिटल हो चाहे बड़ा हो, पेशेंट वेंटिलेटर पर है और एडमिट होता है, उसका खर्चा 20000 रुपये आता है, लेकिन सरकार हमें 4500 रुपये देती है। तो पेशेंट को भी समझना पड़ेगा हमें इसी में मैनेज करना है, और जनरल वार्ड में तो 1800 रुपये देती है, हमें उसी में मैनेज करना है। यदि पेशेंट एचडीयू में 2700 रुपये देती है तो हमें उसी हिसाब से मैनेज करना होता है, उसी हिसाब से हमें पेशेंट को ठीक भी करना है, हमें पेशेंट को सेटिस्फाई भी करना है, और हमें आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन हॉस्पिटल की पब्लिसिटी हो रही है, हमारे लिए अच्छे प्लस पॉइंट है, और बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, होटल से भी आ रहे हैं, पलवल से भी आ रहे हैं। तो सर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आए दिन जो आयुष्मान भारत के लिए आपका हर्ष हॉस्पिटल चर्चा में बना रहता है, इसी पे मैं बातचीत करना चाहूँगा। कल ही आपकी टीम के बारे में सुना गया कि जर्मनी से टीम जाँच के लिए आई थी, उसके बारे में बताइए क्या कुछ हुआ उस पूरे कन्वर्जन में? हमारे हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस को देखते हुए स्टेट हेल्थ एजेंसी हरियाणा की जो है हमारे हॉस्पिटल का नाम रिकमेंड किया था जर्मनी की टीम को, जाइए वहाँ जा करके हॉस्पिटल की फैसिलिटी देखिए, कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो देखिए। जर्मनी की टीम आई थी 5 मेंबर्स की, हमारे हॉस्पिटल के उन्होंने एग्जामिन किया सारा, उन्होंने समझा कैसे गोल्डन कार्ड हम बनाते हैं, हमारे गोल्डन कार्ड का जो कियोस्क है वो देखा,
मुझसे बातचीत की, सारा समझा कैसे हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, कैसे हम आयुष्मान भारत स्कीम को इंडिया में और फरीदाबाद में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया है, किन किन पेशेंट्स का इलाज किया है, पेमेंट का क्या प्रोसेस है, पेमेंट आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, सारा उन्होंने समझा हमसे और काफ़ी खुश होकर गई। और उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं बेसिकली, वो जर्मनी वाले, वो NHA नेशनल हेल्थ एजेंसी को रिपोर्ट करनी है उनको, क्योंकि आपको बता दूं आयुष्मान भारत जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बजट वाली हेल्थ केयर स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए इंटरनेशनल एजेंसी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रही हैं, इसके बारे में रिसर्च कर रही हैं कि इंडिया जैसे बिग कंट्री में इतनी बड़ी स्कीम को किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जर्मनी की टीम जो आई थी पेशेंट से भी मिली है, जो बेनिफिशियरी उनके घर पर जाके पेशेंट से मिली है, पेशेंट्स का फीडबैक लिया है, सो दे क्वाइट हैप्पी विद दिस स्कीम। इस स्कीम को किस तरह से आप आगे हैंडल करने वाले हैं? हम चाहते हैं कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिले, और मैं आपको बता दूं फरीदाबाद में 600,000 लोग हैं जो इस स्कीम के दायरे में आते हैं, 600,000 में से मुश्किल से 25,000 लोगों का अभी तक गोल्डन कार्ड बना है। तो सबसे पहले मेरा इस इंटरव्यू का मेन जो पर्पस है वो यही है कि अवेयरनेस हो, गोल्डन कार्ड बनवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हमने क्या किया है, एक वेबसाइट से ईच ग्राम पंचायत जो हमारे एरिया में पड़ते हैं सबकी उनमें डाटा निकाला है हमने, जिसको SECC डाटा कहते हैं, जो इस स्कीम में हैं जिन लोगों के नाम, उनको लेकर हम अपनी मार्केटिंग टीम से सरपंचों के घर जा रहे हैं, जितने भी गांव पड़ते हैं उनके सरपंचों के पास जा करके उनको लिस्ट दे रहे हैं कि इन इन लोगों का नाम है इस लिस्ट में, इनको आप भेजिए, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि आयुष्मान भारत स्कीम क्या है। तो अवेयरनेस गवर्नमेंट की तरफ से है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, और मीडिया की तरफ से भी है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम अपने लेवल पर अवेयर कर रहे हैं पब्लिक को। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और अर्स हॉस्पिटल में आएँ, अर्स हॉस्पिटल उनका मोस्ट वेलकम है, 24 आवर्स कभी भी आएँ, इमरजेंसी हो, हम किसी का गोल्डन कार्ड भी नहीं है यदि और लेकिन उसका नाम है गोल्ड लिस्ट में, हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हमारे हॉस्पिटल के 5 डिपार्टमेंट एम्पैनल हैं, क्योंकि आयुष्मान स्कीम के अंदर कोई हॉस्पिटल यदि एम्पैनल है इसका मतलब यानी पूरा हॉस्पिटल एम्पैनल है, किसी हॉस्पिटल में ओनली एक डिपार्टमेंट के लिए एम्पैनल है, किसी में 2 डिपार्टमेंट के लिए एम्पैनल है। हमारे यहाँ 5 डिपार्टमेंट हैं, जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ENT सर्जरी डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है, ऑप्स एंड गायनी, एक बच्चों की बीमारी से रिलेटेड पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ये 5 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पैनल पर हैं, और 5 बीमारियों के अंदर हम इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत सारे हॉस्पिटलों का सुनने में आ रहा है सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के अंदर इलाज कर रहे हैं, हम सारे डिपार्टमेंट के अंदर हमने इलाज किया है। यदि आप अदर पेशेंट्स की बात करो जिनका नाम आयुष्मान भारत में नहीं है, तो हमारे यहाँ ये 5 डिपार्टमेंट तो है ही, उसके अलावा अदर डिपार्टमेंट भी हैं, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी है, डाइटिशियन डिपार्टमेंट भी है, और ऑर्थो डिपार्टमेंट भी है, और कैशलेस फैसिलिटी भी है, कैशलेस मेडिक्लेम की फैसिलिटी भी है। अभी तक हमारे यहाँ 18 TPA आ चुके हैं और उनके अंदर इलाज कर रहे हैं, काफ़ी सुविधाएँ हैं, ICU की सुविधा है हमारे यहाँ, सारी तरह की सर्जरियाँ होती हैं, ऑर्थो का किसी हड्डी टूट जाए उसका फ्रैक्चर हो उसका सारा इलाज होता है हमारे यहाँ, नाक कान गले के सारे ऑपरेशन हमारे यहाँ होते हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जितने लोगों ने आपके यहाँ से इलाज करवाया उन्होंने आपने बताया कि फीडबैक भी दिया, तो क्या वो आपके इस सुविधाओं से संतुष्ट हैं, क्या उनका फीडबैक आपकी तरफ पॉजिटिव आया? हमारे यहाँ से अभी तक 75 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं, 75 पेशेंट ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है और सभी ने साइन किया है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और फीडबैक हमें अपलोड करना होता है सिस्टम पर, हमने अपलोड किया है, जो आयुष्मान भारत हम क्लेम इनिशिएट करते हैं पैसा लेने के लिए उसमें हमने फीडबैक फॉर्म भी भरा है, और फीडबैक अच्छा होने की वजह से स्टेट हेल्थ एजेंसी हमारे हॉस्पिटल को रिकमेंड करती है किसी भी इंटरनेशनल विजिट के लिए या किसी चीज़ के लिए। और कल भी हमारे यहाँ स्टेट हेल्थ एजेंसी की विजिट हुई थी, दे आल्सो वेरी हैप्पी विद दिस विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर हॉस्पिटल, और सारी सुविधाओं का उन्होंने जायज़ा लिया, सारी चीज़ें समझी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग इस स्कीम के दायरे में आते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में आते हैं, वो जल्दी से जल्द सारे कामों को छोड़ते हुए अपना गोल्डन कार्ड बनवा लें, क्योंकि घर के अंदर कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है, क्योंकि किसी का गोल्डन कार्ड नहीं बनाया तो पेशेंट के मन में ये मेंटेलिटी रहती है कि मेरा तो कार्ड बना हुआ नहीं है, मेरा तो इलाज फ्री में होगा नहीं और मुझे कैश में इलाज कराना होगा,
और सरकार ने जब सुविधा दी है तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि सरकार हमारे टैक्स के पैसे से ही स्कीम हम लोगों के लिए लॉन्च की है, तो सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए। सभी को जा कर के अपने नियर बाई एरिया में जो भी हॉस्पिटल है, मैं जरूरी है हमारे हॉस्पिटल में आए, जितने भी प्राइवेट एम्पैनल हॉस्पिटल हैं, 13 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और सरकारी जितने भी हॉस्पिटल हैं फरीदाबाद में, सब जगह कार्ड बन रहे हैं, गोल्डन कार्ड। और करेंटली गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजेंसी भी हायर किए हैं गोल्डन कार्ड बनाने के लिए, वो गाँव गाँव जाकर बनाना शुरू कर दिया।